सा इंटरवल हुआ है और लगातार 1 वीक से लगातार बारिश हो रही है और आगे भी 1 वीक तक होने वाली है, ऐसा पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, ऐसा वेदर रिपोर्ट में भी देख सकते हैं आप। लेकिन अभी थोड़ा सा इंटरवल है तो थोड़ा सा बाहर निकले हैं, दिखाते हैं मौसम कैसा हो रहा है गाँव का, अभी पहाड़ की हालत क्या है। जब से हम पहाड़ जाना सोच रहे हैं बारिश रुक ही नहीं रही है कि हम पहाड़ जाएं चढ़ें वहाँ का वीडियो, ट्रैकिंग वीडियो आपको दिखा पाएं कि पहाड़ से अभी बादल टकराकर ऊपर उठ रहे हैं और उसी बादल से बारिश होती है, ऐसा हम बचपन में पढ़ते थे और आज हम देख भी रहे हैं अपने गांव में। ध्यान से देखिएगा तो बादल टकरा रही है, हालांकि ये पहाड़ छोटा है फिर भी इस तरह का हो रहा है। इधर देखिए बड़ा वाला पहाड़ और उससे बड़ा भी उसके साइड में है, देख सकें पेड़ के आड़ से आपको दिखेगा, इससे भी बादल ऊपर उठ रहा है। जो तालाब है उसकी हालत भी एकदम ओवरलोड हो गई होगी, अभी हम आपको दिखाएंगे। और इधर जो हमारे पुराने घर हैं धीरे धीरे एक ही बरसात में सब ध्वस्त होते जा रहे हैं। इतनी बारिश के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है और मोबाइल वगैरह चार्ज करना हो या फिर टीवी देखना हो, फिर कुछ भी काम करना हो तो उसके लिए सहूलियत है, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तालाब का हाल देखिएगा तो माय गॉड पूरा फुल हो चुका है और एक दो दिन 3 दिन और पानी पड़ेगा तो तालाब से पानी ओवरफ्लो करने लगेगा, वहाँ से मछलियाँ भी निकलेगी, उसका वीडियो आपको दिखाएंगे जब पूरे खेत में मछली फैल जाएगी। का हाल क्या हाल हो रखा है, तालाब तो तालाब यहाँ खेत भी तालाब हो चुके हैं। तालाब तो तालाब यहाँ खेत भी तालाब हो चुका है। इस साइड से तो नहीं दिखेगा पेड़ है, तालाब का हाल काफी फुल हो चुका है, मैदान भी खाली है, कोई नहीं खेल रहा है। छाता लेकर तब होता है जब छाता उलटने लगता है पानी में, यहाँ पर विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध चल रहा है, दो कुत्तों के बीच काफी संघर्ष हो रहा है, देखते हैं कौन जीतता है, समझौता हो गया लगता है। फिर से अटैक हुआ है, कुछ आवाज नहीं आ रही है लगता है, मिसाइल वगैरह नहीं छोड़ रहे, हौंक नहीं रहे हैं, एकदम चुपचाप से साइलेंट शीत युद्ध चल रहा है। और उधर भैंसा वगैरह खेत में अपने भोजन की खोज में, वहाँ जो पेड़ है वहीं पे उन लोग का खेत है, जामुन का पेड़ दिख रहा है, वहीं पे कछुआ मिला था मुझे, कछुए का बच्चा देख लीजिए पूरा चल रहा है। अभी भी बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा देर घूम नहीं सकते हैं, सभी लोग फ्रेंड लोग घर में हैं और हमें भी घर जाना पड़ेगा, पूरा ठंड लग रही है ना, ठंड का मौसम आ गया है और बाहर रहना भी नहीं चाहिए बारिश के बीच, हालांकि अभी गरजने और चमकने घटना भी कम हो रही है, बरसात का मौसम है, बच्चे दूध लेने के लिए आ रहे हैं दौड़ कर बारिश में भी, लोग का ट्रांसफार्मर जो ख़राब होते रहता है। एक और नीरज जो हमारा फ्रेंड है ब्लॉक में आते रहता है इसको हम लोग पहचान लीजिएगा, इसको दवा लेने जाना है उस साइड तालाब के उस साइड, इसको हम बोलते हैं भंडरा, तो वहाँ पर जाना है इसको दवा लेने, बाबा का गिल्टी हुआ है, मतलब कुछ मेडिसिन लेने जाना है, हमको जाने के लिए कह रहा है, लेकिन हम हाफ पेंट में हैं, नीचे तो नहीं दिखा रहे, हाफ पेंट में नहीं जाना चाह रहे, हाफ पेंट हम लोग का घर है वहाँ, हाफ पेंट में घर, हाफ पेंट में नहीं नहीं ठंडा लग रहा है इसीलिए हाफ पेंट में घर नहीं जाते हैं। गाँव में आज शादी है इसलिए